बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई 6 दिसंबर 1992 को, और उसके बाद उससे पहले जो पूरे देश में कम्युनल डिवीजन फैलाया गया रथ यात्राओं के जरिए, और उसमें जो है उसके बाद जो फसादात हुए बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद, तो उसके बाद से जो है हमने जो आज तक देश में नॉर्मलसी नहीं देखी। भले ये लोग झूठे हैं सच्चे मुझे नहीं पता, जो लोग पकड़े जाते हैं इसमें किस हद तक वो झूठ सच बोलते हैं, लेकिन जो भी बयानात आते हैं और जो ईमेल्स आते हैं, जैसे इंडियन मुजाहिदीन के ईमेल्स आए और भी इस किस्म के जो भी सो कॉल्ड किस्म के तंजीमें हैं, तो ये लोग हमेशा अपने आतंकवाद का जस्टिफिकेशन क्या देते हैं, वो बाबरी मस्जिद यहाँ पर ढाई गई, इनजस्टिस हो रहा है गुजरात में, ऐसा हो रहा है, और जितने जो कम्युनल राइट्स हैं उनका हवाला देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग ये सब हवाले देकर वो मुसलमानों से दोस्ती नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो मुसलमानों के भी दुश्मन हैं, इस मुल्क के भी दुश्मन हैं ये काम करते हैं अगर वो, तो और ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और आतंकवाद का मुकाबला आतंकवाद से करें तो ये बिल्कुल जस्टिफिकेशन नहीं है। आतंकवाद से सभी प्रभावित होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और जिस दिन ये हमला हुआ था, 2-3 दिन मुंबई में जो एक भय का माहौल रहा था और जो एक इनसिक्योरिटी का माहौल था, लेकिन एक चीज़ बड़ी पॉजिटिव हमको नज़र आई है, और उसमें मैं समझूंगा कि हमारे देश के नागरिकों की जीत हुई है, और आतंकवादियों को जो है जो पराजित हुए हैं वो ये है कि उनका एक मकसद ये भी था कि यहाँ पर जो लोगों में भय फैले और कम्युनिटीज़ के बीच में, ख़ासतौर पर हमारे यहाँ पर जो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी है इनके बीच में जो है वो दरार फैले और ताल्लुकात ख़राब हो, लेकिन ये मैंने देखा है कि ये उल्टा हुआ, उस और ज़्यादा लोग जो है एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे के दुख दर्द को लोगों ने बांटा, और उस हमले से लेकर मैंने हॉस्पिटल की विजिट की, उसके बाद स्पॉट की भी विजिट की, तो मैंने ये पाया कि लोगों में एक दूसरे के लिए और महिलाओं में ख़ास तौर पर कि वो चाह रही थी कि हम किस तरीके से ज़्यादा एक दूसरे से काम आए, और उन्होंने अपने मज़हब की सारी दीवारें जो है हटाकर सिर्फ इंसानियत को अपना मज़हब बनाकर जो है ये सारा काम किया। लेकिन हमको चाहिए हम हमारे गिरेबान में भी झांक कर देखें कि हमारे ऐसे कौन से लूप होल्स हैं, कौन से सिस्टम में हमारी ऐसी खराबियां हैं कि जिसका ये आतंकवादी लोग जो है वो फायदा उठाते हैं और इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है, और उसके बाद में हम सारे लोग भी जागते हैं और सरकार भी जागती है।